शर्म नहीं आती ना तुझे फारूक? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? माँ को खामखा झूठ मूठ बीमारी लगा दी। क्या मतलब? फयाज आया था अपनी माँ के साथ मेरा हालचाल पूछने के लिए। तूने 5,000 रुपयों के लिए माँ को बीमार कर दिया? नहीं अम्मी, 10 दफा मुझसे कर्ज ले लेगा, अपनी दफा 4 दिन ही सब्र हुआ उससे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि तुझे मेरी बीमारी का बहाना करके पैसे लेने पड़े। पैसों की जरूरत थी मुझे, बताया तो नौकरी चली गई। नौकरी चली गई, नौकरी चली गई, नौकरी चले जाने का ये मतलब थोड़ी होता कि इंसान भिखारी बन जाए, दूसरों से मांगना शुरू कर दे। हद हो गई है, कभी इस तरह से हम लोगों ने कर्जे मांग मांग के नहीं उठाए। तुझे इतनी जरूरत थी पैसों की तो मुझसे कह देना था, ये लोगों से उधार मांगना कहां से सीखा है? कब तक आपसे मांगता रहा? मेरी बीमारी का झूठा बहाना लगाकर लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर नहीं था कि माँ से मांग लेता? क्या जरूरत पड़ गई थी बता मुझे? थी जरूरत है फारूक, मैं साफ साफ पूछी हूं ना, मुझे साफ साफ जवाब दे। मम्मी वो तो बसुम की सालगिरह थी, उसके लिए तोहफा लेना था। इतना दीवाना हो गया उसके पीछे कि उसको तोहफा देने के लिए कर्जे उठा रहा है? साल में एक बार सालगिरह आती है, रोज रोज थोड़ी आती है मम्मी। वो तो खुदा का शुक्र है कि रोज रोज नहीं आती, वरना तूने रोज रोज तोहफे देने के लिए चल पड़ना था। खाना है? दे रही हूँ। तेरी पसंद की कढ़ाई बनाई है मैंने। जारी। आए, आए, आराम से, हाथ मत। फयाज का कर्जा चुका दिया मैंने। अच्छा चल हट।